Hey guys, welcome back. This is me, your Vishal sir. तो guys, CBSE ने important circular जारी कर दिया है. Yes, you heard it right. और वो भी एक नहीं, दो important circular जारी किए हैं. Guys, बहुत important video है. Skip नहीं करना है, पूरा end तक देखना है. और यहाँ पर देखो, जो मैं पिछले कई दिनों से बता रहा था कि बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है result में, class 10, 12 के result में, वैसा ही कुछ हुआ है. CBSE के official ने ये confirm कर दिया है कि class 10th के result पहले नहीं आएंगे, उसको hold पे डाला जा सकता है और class 12th के result को पहले निकाला जाएगा. तो मैं भी सारा कुछ बताऊंगा. वीडियो को एंड तक देखना एंड प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना. लेकिन आगे बढ़े इससे पहले गाइज, पढ़ाई को रोका नहीं जा सकता, हम वेट नहीं कर सकते. एंड दैट इज वाई ये चैनल स्टडी विद विशाल सर, जो हमने सिर्फ 6-7 दिन पहले शुरू किया था, आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसे सब्सक्राइब कर लिया है, बहुत सारा प्यार दिया, थैंक्स फॉर दैट. इसका लिंक जो है मैं आपको कमेंट्री सेक्शन और डिस्क्रिप्शन कमेंट्री सेक्शन दोनों जगह मैं आपको दे दे रहा हूं, वहां पे पिन करके रख दे रहा हूं, आप इसे सब्सक्राइब कर लेना. ये देखो यहां क्लास 10, 11, 12 के सभी जो नोट्स हैं वो यहां पे मैंने डालना शुरू कर दिया है. जल्दी से जल्दी देखो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करो, ठीक है. ओके, और अब हम जल्दी से आते हैं और देखते हैं सिनारियो क्या है. सिनारियो ये है, ये देखिए सीबीएसई ने कहा है सारे स्कूल्स को कहा है कि बी रेडी, और कहा है एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है वो जारी कर दिया है तमाम एफिलेटेड स्कूल्स को. अब ये सर्कुलर क्या है, आप बिल्कुल आप जानना चाह रहे होंगे, ठीक है. तो जल्दी से देखिए ये सर्कुलर क्या है और सीबीएसई ने इसमें क्या कहा है. पहला बात, सीबीएसई ने वार्न कर दिया है कि सीबीएसई किसी भी हालत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी और जितने भी ऑफिशियल हेड्स हैं या कम्युनिकेटिंग पर्सन हैं उनको अलर्ट मोड पे रहना पड़ेगा रिजल्ट का लेकर के. ये देखिए सीबीएसई issued an important circular to the affiliated schools, ठीक है. ओके, सेकंड पॉइंट में यहां ध्यान दे रहे हैं कि तमाम जो affiliated schools के principal हैं उनको कहा गया है कि भाई प्री रिजल्ट वर्क अब बहुत तेजी से चलेगा, तो किसी भी बच्चे का डिटेल्स डेटा छूटना नहीं चाहिए. तो क्या आपका प्रोजेक्ट वर्क मार्क्स या प्रैक्टिकल मार्क्स या असाइनमेंट मार्क्स सब कुछ अपडेटेड है, सब कुछ चढ़ चुका है, एक बार अगर आप कंफर्मेशन कर सको अपने सब्जेक्ट टीचर से तो तुरंत कर लेना, लेट नहीं करना, ठीक है. अब इसमें हिचकिचाना नहीं प्लीज, ये नहीं कि सर का काम है तो सर तो कर ही लेंगे. थर्ड पॉइंट, बोर्ड ने स्कूलों को कहा है कि भाई किसी भी वक्त उनको बोला जा सकता है कि ये जानकारी दीजिए वो जानकारी दीजिए, तो जो अथॉरिटीज हैं और जो कम्युनिकेटिंग पर्सन हैं उनको भी अलर्ट मोड पे रहना है. ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहां देखो आप कि एक लीडिंग न्यूज चैनल से बात करते हुए सीबीएसई ऑफिशियल ने कहा है कि सीबीएसई क्लास 12 का इवैल्यूएशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है. इट इज पॉसिबल दैट सीबीएसई माइट पुट 10th रिजल्ट ऑन होल्ड. ये देखिए मैंने कहा था ना कि 10th का रिजल्ट जो है वो होल्ड पे डाला जा सकता है टू प्रोसेस 12th रिजल्ट फर्स्ट. पहले 12th रिजल्ट को प्रोसेस किया जाएगा एंड रिलीज बोथ रिजल्ट्स अराउंड सेम टाइम, और उसके एक दो दिन बाद में या एक दिन बाद में क्लास 10th का भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है, ठीक है. और यहां देखिए, ये देखिए आगे क्या कहा है. सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई आपका जो रिजल्ट बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है एवरेज ऑफ टर्म 1, टर्म 2 एंड इंटरनल असेसमेंट. ये तो हमें भी पता था, लेकिन अभी भी सीबीएसई ने ये नहीं बताया इस सर्कुलर में भी कि भाई इसमें किस तरह से डिफाइन होगा, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा इंपॉर्टेंट सर्कुलर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं, इसे देख लो जल्दी से, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट सर्कुलर जो है वो आपके लिए रिलीज किया है सीबीएसई ने, और इसमें क्या कहा है जल्दी से देखिए. इसमें आपका रजिस्ट्रेशन डेटा जो है क्लास 9, 11 का वो मांगा गया है. अगर आप क्लास 10 से 11 जा रहे हो, ठीक है, अभी रिजल्ट नहीं निकला बच्चों, लेकिन क्लास 9 वाले जो इस बार 9 गए हैं उनका भी डेटा, और क्लास 11 वाले जो बच्चे हैं मतलब 10 से आप लोग जो 11 जा रहे हो, आपका पूरा डेटा जो है वो सीबीएसई ने मांगना शुरू कर दिया है कि भाई डिटेल्स दीजिए, ताकि आप लोगों को फॉर्म वगैरह इशू किया जाएगा, आप क्या स्ट्रीम लेना चाहते हो वो लिया जाएगा, आपका पूरा डिटेल्स, आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम, पर्सनल नेम, एड्रेस, सब कुछ लिया जाएगा. और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी गलती नहीं करना, क्योंकि आगे जाकर के जो 12th आप लिखोगे वहां पे यही रिजल्ट जो सॉरी डेटा जो है वो फॉरवर्ड होगा. हालांकि ये जो देखो प्रोसेस है वो कब से शुरू हो रहा है, ये प्रोसेस शुरू हो रहा है 1 जुलाई से, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, 1 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये चलेगा कब तक, ये चलेगा आपका 30 सितंबर तक. टाइम है बट गड़बड़ी नहीं करना, गलती नहीं करना, ठीक है. सो ये इंपॉर्टेंट एक सर्कुलर है, आप चाहोगे तो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर के इसे देख सकते हो, ठीक है. बिल्कुल भी यहां लेट नहीं करना, और इन चीजों में खास तौर पे क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी होता है, तो प्लीज गो फॉर दैट, ठीक है. सो अभी हम लोग लगातार बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा, तो आप बने रहो मेरे साथ में, ठीक है. और प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लेना, शेयर करना वीडियो को. जय हिंद, जय भारत.